बहुत कंग्रेचुलेशन, टीजर काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है, आप मतलब फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? जितना एक्साइटेड आप साउंड कर रहे हो उससे तीन गुना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था वाइल डूइंग इट, एंड उससे छः गुना ज़्यादा एक्साइटेड जब मैंने ये पहली बार प्रोमो देखा था। आई केप वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। मुझे दुनिया का नहीं पता यार, आई एम लकी दैट पीपल लाइक व्हाट आई लाइक, बट मुझे अपना पता है कि दिस इज़ द फर्स्ट वन, मैं ये कहूँगा दिस इज़ द फर्स्ट प्रोमो जहाँ पर मैंने दूसरे बाजू वाले को बताया नहीं जल्दी, मैंने पहले देखा, मुझे इतना पसंद है मैं खुद देखते गया उसे, अरे यार अरे वाओ, सो दिस वाज समथिंग दैट मेड मी वेरी हैप्पी एंड आई एंजॉयड, आई क्वाइट एंजॉयड दैट। मैम आप बताइए आपके शो के बारे में कुछ, आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह कैरेक्टर होने वाला है, आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी, क्या करने जाना? देखो कैरेक्टर अभी हम भी, मैं भी एक्सप्लोर करूंगी पूरी तरह, आप भी देखेंगे किस तरह का होने वाला है। ये है कि दो विपरीत बिल्कुल अलग जो लोग हैं, दोनों के मोटिव्स अलग हैं लाइफ में, कैसे वो मिलते हैं, कैसे प्रेम के माध्यम से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आता है और क्या उनकी आगे लाइफ चलती है, कैसे चलती है, यही मैं आपको बता पाऊँगी अभी के। सर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखा, आईटी अवार्ड हमने आपको देखा था वहाँ से, मतलब आज काफी। क्यों दुख दे रहे हो मुझे उस अवार्ड फंक्शन के बारे में याद दिला के? नहीं दुख नहीं दे रहा हूँ मैं हार गया था अपना नॉमिनेशन दोनों हुए आप, मतलब अगर बालों को देखिए, मतलब आपने काफी वर्क हार्ड किया इस कैरेक्टर के लिए। माफ करना मैं आपको टोकूंगा, आप एक चीज में गलत हो, मैंने नहीं हार्ड वर्क किया, ये हमारी बहुत ही काबिल और एक्सपर्ट टीम, हमारे चैनल ने, हमारे प्रोडक्शन हाउस ने, आई एम श्योर हमारे लवली प्रोड्यूसर का भी इनपुट रहा होगा, हमारे क्रिएटिव का, हमारी लवली स्टाइलिस्ट एंड ऑल क्रेडिट टू देम। मैं बस बहुत ही लकीली सही जगह पे था जो उन्होंने बोला आओ यार तुम ये कैरेक्टर ट्राई करो। एंड आप दोनों पूछना चाहूँगा कि आप दोनों ही टेलीविजन के टॉप एक्टर है, ए लिस्टेड एक्टर है, तो मैं समझ लूँ कि ये टॉप शो होने वाला है, नंबर वन, क्योंकि सर के तो शो हमेशा नंबर वन रहते हैं। यार मत तो, बोलो यार प्लीज मत बोलो यार, और आप भी तो नंबर वन है, लोगों का बहुत प्यार मिला राधा किशन से, तो मैं समझ लूँ तो टॉप रेटिंग होने वाला शो। आप ये समझ सकते, कैन आई आंसर दिस? मैं आपको बोलूंगा आप ये समझ लो कि एक ए लिस्टेड एक्टर जैसे आपने कहा, एंड मैं हम ईमानदारी से पूरी मेहनत करेंगे और सिंसियरली अपना काम करेंगे, एंड द रेस्ट वी लीव अप टू गॉड एंड टू यू गाइस। मैम आप कुछ कहेंगे? मैं कुछ नहीं, जो इन्होंने कहा बहुत सही बात बोली है कि ईमानदारी से बस हमें अपना काम करना है, बाकी सब हो जाएगा। ओके एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, एकता मैम के साथ आप लोग काम कर रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म के साथ, हाउ मच यू फील दैट, कुछ अगर आप उस पर ऐड करें तो? देखो मेरा तो मैं तो हमेशा से मैं उनके शोज़ देखे हैं और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज करूँगी वो भी ऐसा हिस्टोरिकल शो करूँगी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा पहला कोलैबोरेशन है कलर्स के साथ, बालाजी के साथ, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होता है, कैसा होता है जर्नी। आई एम गोना गिव यू एन इंस्टेंस जहाँ पर पीपल, मैंने तीन शोज़ किए एंड दे ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बट यहाँ एकता मैम के साथ मेरी मीटिंग के बाद मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे थे, बिकॉज दैट इज़ हु शी इज़, शी इज़ समवन हु इज़ डन सो मच हमारे इंडस्ट्री के लिए, एंड दिस इज़ अ नेम वी ऑलवेज हर्ड, एंड सिटिंग विथ हर देयर इन इटसेल्फ मेरे लिए, मुझे पता नहीं था मुझे इसके बाद शो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऐसे ये कुर्सी तक पहुँच गया, ऐसे कुछ कर लिया लाइफ में, दिस इज़ गुड। ओके आखिर में आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे, नए साल की शुरुआत में नया शो देखने को मिलेगा हमें, वन मैसेज टू आवर फैंस, योर फैंस, आप फैंस को बताइए। नया साल है, नया शो है हमारे लिए, एक नया नई जर्नी है और बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मेहनत है इसके पीछे और बहुत दिल से हम कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्ट कर पाएँ इन किरदारों के ज़रिए, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए और जल्द ही हमारा शो प्रचंड अशोक आ रहा है कलर्स पे जी, एंड प्लीज़ देखिएगा, गिव अस योर लव बिकॉज दैट इज़ व्हाट समटाइम्स वी वर्क फॉर। थैंक यू।